हल्दी की बात हो तो सारे रस्म रिवाज, शादी में लगने वाले थापे और खाई जाने वाली हल्दी, चोट लग जाए तो दूध के साथ पीने वाली हल्दी, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो हल्दी का हमारे सामाजिक सिस्टम में भी बहुत बड़ा योगदान है और संस्कृति में भी हमारी में हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ इस हल्दी में मिलावट भी है। क्यों है? कई सारे कारण हैं। पूरी ट्रेन भर के आती है मिलावट की हल्दी से और पूरा देश खाता है। कारण है कि पीला रंग होता है हल्दी का, और हम सब लोगों को साइकोलॉजिकल रहता है कि रंग अगर पीला नहीं है तो वो हल्दी नहीं है। सच्चाई ये है कि असली जो हल्दी है वो पीले रंग का ऊपर का कवर उसका नहीं होता। अंदर से तोड़ते हैं तब उसमें हल्दी निकलती है, तब उसका पीला रंग होता है। और ये एंटीबायोटिक भी होती है, आपकी चर्म रोग और दूसरे चीजों के लिए बड़े फायदेमंद होती है। लेकिन जैसे ही हम मिलावट वाली चीजें खाते हैं तो वही हो जाती है 64 प्रकार के कैंसर में से किसी भी कैंसर की शुरुआत। तो आज हम हल्दी की बात कर रहे हैं और प्राची, आपका नाम है, प्राची है और प्राची टीम लीडर है और अपनी टीम के साथ यहाँ पर कंकरखेड़ा, मलियाना, श्यामनगर, हतोली, ये दतावली, गढ़रोड, अमीन नगर बलैनी, ये क्या है, खिरवा रोड से, हतोली से और हापुड़ से, इन सब जगहों से आए हैं सैंपल। और उन सब सैंपल में एक खतरनाक सैंपल जो जांचा गया है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सैंपल्स ऑलरेडी चेक कर लिए गए हैं। तो अभी हम कौन से सैंपल के बारे में बात करने वाले हैं और क्या हम ढूंढने वाले हैं इसमें? सर, हम मेटेनिल येलो डाई की प्रेजेंस देखेंगे हल्दी में। अच्छा। और हमने कई जगहों से हल्दी ली है तो अधिकतर हर जगह की प्योर ही मिली है, बस मलियाना एरिया की हमें जो हल्दी मिली है उसमें मेटेनिल येलो डाई की प्रेजेंस मिली है। बिल्कुल ठीक है, तो बताइए इसमें कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ एक चीज और मैं बताता चलूं कि हल्दी शादी विवाह के अंदर पूरे शरीर पर हल्दी का लेप होता है, तो उसका भी एक पीछे लॉजिक है। देखिए, अगर वो मिलावट वाली हल्दी तो वो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगी। जरा सोचिए उसके बारे में भी कि उस रीति रिवाज और परंपरा को क्यों दिया गया, क्यों अमली जामा पहनाया गया और क्यों हल्दी लगाई जाती है। सोचिएगा, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए भी हम हल्दी का उपयोग करते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं चर्म रोगों को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान है हल्दी का। इनसे भी पूछेंगे कि इनकी जानकारी में कितना है और नहीं जानकारी, और पहले देखते हैं टेस्ट कैसे हो रहा है। सर, हमने हल्दी का सैंपल लिया है और इसमें कंसंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड HCl। और सावधानी रखिएगा, मुझे लगता है कि इसको ऐसे हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, इसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए कौन बताएगा? कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है। कभी भी जब कंसंट्रेट HCl का इस्तेमाल करें तो यहाँ ये भी सावधानी बरतें कि उसको डालते समय नॉर्मली ग्लव्स पहनने चाहिए, अगर नहीं है तो ऐसे हाथ से थोड़ा सा खतरा रहता है, एक्सीडेंट होने का रहता है या नहीं रहता है, और फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि कई बार हम रूटीन में ऐसे आ जाते हैं, फॉर्मल रूप में चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसका सावधान के साथ ध्यान रखना चाहिए। जी सर, इसमें जो पिंक कलर आया है, आ गया पिंक कलर, डार्क पिंक कलर सा है, अभी तो चॉकलेट कलर सा हो रहा है। हाँ जी, के पानी ऐड करने पे हर चीज मतलब गायब हो जाता है। अच्छा, जैसे देखिए ध्यान रखिएगा, पानी गर्म करेंगे तो हम पानी को डालने से अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए कि कई बार किताबों में जो लिखा रहता है उस तरह से सूट नहीं करते, कहीं ना कहीं केमिकल में भी लोचा हो जा सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर उसका जो केमिकल का कलर था वो क्या हुआ? सर, वो हट गया। हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ? सर, प्योर है।
इसका मतलब ये हल्दी प्योर है, इसके अंदर येलो काइट नहीं प्रेजेंट है, मैटेनिल येलो इसमें नहीं। लेकिन एक सैंपल हमारे सामने ऐसा आया जिसका नाम देख रहे हैं ये सब पीले रंग के हैं, लेकिन ये कैसे है? ये एक्सपेरिमेंट सुबह हो चुका था हल्दी में, शायद उसी की कॉपी है। ये हल्दी कैसी सोचिए, फिर हम कंसल्टेट एसीएल लेंगे। ध्यान रखिएगा हाथ पे ना गिर जाए। क्या चाहिए? सर पानी। पानी नहीं है? पानी तो भाई जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो वो पानी थोड़ा सा साथ में, ठीक है? ऐसे मत सोचिए तुरंत ले लेंगे, आराम से आराम से बात। हमने फिर इसमें पानी मिलाया, दूसरा सैंपल लिया, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अब ये दूसरा सैंपल है लेकिन ये रंग आ गया, शायद ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सा है इसमें, धीरे धीरे बदलेगा, टाइम लगेगा उसमें। लेकिन अगर ऐसा कलर आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि मैटेनिल येलो प्रेजेंट है, और ऐसा होने पर मामला ठीक नहीं है स्वास्थ्य दृष्टिकोण से। लेकिन क्या हम कोई ऐसे तरीके भी हैं कि अगर हमारे पास केमिकल ना हो, किचन में आम गृहिणी के पास नहीं होते, अमूमन घर में किसी के केमिकल नहीं होते, लैब में होते, हर आदमी तो लैब नहीं जा सकता, तो क्या हम कर सकते हैं कि हल्दी को देख के समझ लें कि उसका रंग में मिलावट है या नहीं है, कैसे कर सकते हैं उसको? सर अगर हम हल्दी में पानी मिलाएंगे हाँ। और हल्दी बैठ जाती है जी, तो वो प्योर है, और अगर मतलब पानी के साथ वो नहीं बैठ पाती है तो इम्प्योर है, मतलब इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। एक पेपर ले लेंगे हम, हम इस पर भी हम एक देख सकते हैं, अगर एक सिंपल पेपर लें और इसमें से अगर इसी को ले लें मिलावट वाली है तो जरा सा सैंपल लीजिए, जरा सा पानी लीजिए, हल्का सा थोड़ा सा दूसरा, अगर घर पर आपके कुछ नहीं है तो सिंपली जो पीला रंग है ना, जो रंग छूटता है अगर इसमें पानी का हल्का सा डाल के, अगर इसका पानी का रंग ज्यादा हो गया है, इसमें पीला रंग अगर पेपर पर आ रहा है, इसका रंग पीला छूट रहा है। देखिए एक चीज मोटा मोटा सा मैं बता दूं, कोई भी खाने की चीज अगर उसका कलर छूट रहा है तो मींस कि वो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है, चाहे वो हरी सब्जी है, चाहे लाल मिर्च है या हल्दी है, कोई भी चीज है कलर उसमें नहीं आ रहा है, कलर आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मामला गड़बड़ हो सकता है, तो सावधान रहिएगा और हल्दी को भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, सर्दियों के दौरान में कच्ची हल्दी खाई जाती है जो डायरेक्ट होती है, उसको भी खाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी और एनर्जेटिक बना रहता है हमारा शरीर। ये है खास बात, और कुछ खास बात भी बताना चाहिए आपकी टीम ने जो देखा हो? सर हमने बस ये, अधिकतर हल्दी हमारी प्योर ही निकली है, बस एक ही एरिया से जो हल्दी थी उसमें थोड़ी, कौन से एरिया की है जो मिलावट वाली है? मलियाना। तो ये हल्दी का जो सैंपल है ये है मलियाना का, मलियाना की हल्दी। और एक बात बताऊं, अगर हमारे कोटला मंडी और कबाड़ी बाजार वाला जो इलाका है उस इलाके की हल्दी और दाल मिर्च लोगे तो वो भी मिलावट वाली मिलेगी, खतरनाक वाली मिलेगी, वो घरों में नहीं खाई जाती। मुझे लग रहा है ज्यादातर सैंपल जो आए हैं वो घर वाले हैं, इसलिए वो प्योर हैं, क्योंकि हम समझदार हैं, अब धीरे धीरे समझदार हो तो मिलावट से दूर है, कैसे बचना है ये भी ध्यान रखते रहेंगे। चलिए तो ये खास बात थी हल्दी की, जिसके लिए कंसंट्रेट एचसीएल का हमने करा था इस्तेमाल,
और इस केमिकल का रिएक्शन को भी हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए कट करिए।